नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये है जिम्नी, मारुति सुजुकी की जिम्नी दोस्तों। दिस इज़ अ नेक्सा प्रोडक्ट, बहुत दिनों से इंतज़ार था। ये गाड़ी के बारे में हम आज जानने वाले, कुछ सारा कुछ मैं बताऊँगा, वो होकर राउंड रिव्यू रहने वाला है। तो ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जिम्नी के बारे में। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल दोस्तों, आप देख सकते हैं जिम्नी सुजुकी का लोगो, ग्रिल देख सकते हैं आप। ओके, 5 स्लॉट ग्रिल। देन ये इसके प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स LEDs में आपको मिलने वाले हैं। देन आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, वॉशर्स मिलने वाले हैं आपको हेडलैम्प करने के लिए। नीचे आपको फोग लैम्प्स और ये जिम्नी का आपको बम्पर मिलेगा जो कि अप्रोच एंगल आपको अच्छा मिलने वाला है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑफ रोडिंग व्हीकल और थार, महिंद्रा की थार और फोर्स की गुरखा इनको कॉम्पीट करने वाली है। इसका प्राइस ब्रैकेट बहुत मैटर करने वाला है। सम आई फील कि 10 लाख के आसपास ये आपको मिलेगी। ओके, मार्केट में एक शोरूम के हिसाब से अगर आएगी ना दोस्तों तो उठा लीजिए। 2 वेरिएंट में आएगी, एक तो डेल्टा, एक तो जेटा एंड अल्फ़ा। तो ये 2 वेरिएंट में आ जाएगी। तो ये गाड़ी आप जल्द से जल्द बुक करवा सकते हैं। उधर आपको वाइपर्स भी मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। आपको लेदर फ्रेम में चेसिस मिलने वाली है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और रैम्प ब्रेक ओवर एंगल। तो देखो अप्रोच एंगल आपका वो है, वो 36 का मिलने वाला है। ओके, जो आपका डिपार्चर एंगल है वो आपको 50 का मिलने वाला है। और जो आपका फ्रंट है, ओके, रैम्प ब्रेक ओवर एंगल वो आपको 24 का मिलने वाला है। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको 3 लिंक रिजिड एक्सेल टाइप के विथ कॉइल स्प्रिंग के मिलने वाले हैं। वही सस्पेंशन आपको पीछे भी देखने को मिलेंगे। अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो 3985 mm की लेंथ है, 1645 mm की विड्थ है, 1720 mm की हाइट है। ओके, व्हील बेस 2590 का, ग्राउंड क्लियरेंस का 210 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। ब्लैक में रूफ मिलेगा आपको, ये ग्रीनिश शेड देख रहे हैं आप जिम्नी का। टोटल ये अवेलेबल रहेगा। अगर हम बात करेंगे साइड पर, व्हील आर्चेस देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। जो दोनों के बीच का जो एंगल है आपको वो देख सकते हैं ऊपर कितना बड़ा है। अगर हम साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो आप रिक्वेस्ट सेंसर का बटन यहाँ मिलने वाला है। रिक्वेस्ट सेंसर का बटन आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, ये डोर हैंडल्स है, ब्लैक ग्लॉसी में आपको यहाँ मिल जाएगा ORVM और फेंडर की आपको इंडर मिलेगा। बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल से दोस्तों, ये इसके एलॉयज़, ठीक है, गन मेटल में एलॉयज़ मिलेंगे आपको। ब्रिस्टोन के टायर है एंड जो टायर सेक्शन है वो है 195/80R15 का। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल से बात करूँगा दोस्तों मैं, तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर आपको पीछे भी मिलने वाला है। डोर हैंडल्स, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको वहाँ मिलने वाला है। ऑल ग्रिप की ब्रैचिंग, नेक्सा की ब्रैचिंग आपको यहाँ मिलेगी। और जो आपका स्पेयर टायर है वो टेलगेट के ऊपर माउंट किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और आपको पीछे की लाइट और ब्रेक लाइट्स आपको मिलेगी। रियर की लाइट देखने को मिलेगी। कैमरा मुझे प्लेसमेंट देखना था इधर का, तो नीचे आपको जिम्नी के ऊपर लिखा हुआ कैमरा देखने को मिलने वाला है। और शार्क फिन एंटीना नहीं दोस्तों, लेकिन नॉर्मल एंटीना आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपको शार्क एंटीना मिलता है। तो ये तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई एक्सटीरियर से जिम्नी के बारे में। इंजन स्पेसिफिकेशन, ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी ऑल ग्रिप के साथ। ओके, इंजन टाइप है दोस्तों K15B पेट्रोल इंजन विथ आइडल स्टार्ट स्टॉप। तो 1462 सीसी का ये इंजन है दोस्तों। ओके, 4 सिलेंडर के साथ। तो 77.1 किलोवाट यानी 95 bhp पावर और लगभग 134 Nm का टॉर्क दोस्तों हमें ये गाड़ी में मिलने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है वो जिम्नी जो आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, तो ये तो कंप्लीट थी एक्सटीरियर के बारे में। बात करते हैं इंटीरियर से दोस्तों। ओपन करेंगे डोर तो ये देख सकते हैं डोर्स होते हैं इनसाइड से। क्रोम में डोर हैंडल्स इसमें मिलने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये पकड़ने के लिए स्पीकर मिलने वाला है। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, कंप्लीट ब्लैक सीट्स दोस्तों इसमें ऑफर किए गए हैं। यहाँ पुश स्टार्ट का बटन मिलने वाला है आपको। जो मिरर है वो एडजस्ट करने के लिए बटन यहाँ मिलेंगे, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन और ये आप देख सकते हैं वाइपर। और यह आपको हेडलैम्प लेवल करने के लिए बटन मिलेगा। स्टेयरिंग है दोस्तों राउंड मिलेगा लेकिन लेदर रैप्ड है कंप्लीट स्टेयरिंग। बात करेंगे इसके 180 की स्पीड की मार्किंग है और आपको लेफ्ट साइड में RPM मीटर, छोटी MID स्क्रीन मिलेगी, माइलेज, फ्यूल कंजम्पशन सब कुछ मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, वाइपर सबको इसमें मिलने वाले हैं मिस्ट के साथ। ओके, कॉल रिसीव, कॉल ड्रॉप करने के लिए बटन। ओके, लेफ्ट साइड में स्विचेस मिलेंगे फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम और यह आपको राइट साइड में मिल जाएगा स्विचेस फॉर यूर क्रूज कंट्रोल दोस्तों। अंदर बैठते हैं, बात करते हैं इसी इंटीरियर के बारे में। ओके, ये इसकी टच स्क्रीन दोस्तों तो लगभग 10 इंच की टच स्क्रीन इसमें मिलने वाली है। ये इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है दोस्तों, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हैज़र का बटन, ऑटोमेटिक का एसी, नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, हील होल्ड असिस्ट, ओके, हेडलैम्प्स के दोस्तों। देन नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ 12 का पावर सपोर्ट, USB कनेक्टिविटी, यहाँ थोड़ा स्पेस है। एक इसका गियर नॉब, ये देख सकते हैं 2H, 4H एंड 4-wheel ड्राइव। इसका हैंड ब्रेक, ओके, पावर विंडोज के बटन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आगे के लिए, और इसका बटन है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं डिसेंट साइज डोर पॉकेट यहाँ भी है। यहाँ है मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट रियर व्यू मिरर, और यहाँ आप देख सकते हैं रूफ लैम्प्स, वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनशेड के ऊपर, यहाँ भी वैनिटी मिरर है दोस्तों। तो ये इसका इंटीरियर दोस्तों कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। अगर बात करूँगा मैं इसके हेडरूम के बारे में तो अच्छा खासा हेडरूम है, भले ही हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं है, जो स्टेयरिंग है वो खाली टेलीस्कोपिक देखो टिल्ट एडजस्टमेंट है, ओके, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी देखा ना जाए तो आपको बोनेट दिख जाता है आराम से। सो मेरे हिसाब से सीट्स ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ओके। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, सीट्स अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं आपको कंप्लीट ऑफ रोडिंग के लिए। तो आपको सिस्टम इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी इसमें मिलने वो वाली है। 4 स्पीकर हमें इसमें ऑफर किए गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, चलते हैं रियर सीट्स और जानते हैं क्या क्या ऑफर किया गया है। तो दोस्तों ये इसका रियर सीट्स जाने के लिए तो ये इसका रियर साइड का डोर, ओके, ये आप देख सकते हैं 1 टच डाउन 1 टच अप। तो ये पावर विंडो का बटन इस तरह से दिया गया है, सिल्वर कलर में डोर हैंडल्स, ओके, और 2 टाइप ग्लास ऐसी मिलेगी जो आपको डिवाइड करती है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक का डोर यहाँ मिल जाएगा, और ये आपको स्पीकर मिल जाएगा। अंदर से बात करेंगे तो ये आपको पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके सीट्स। चलते अंदर बात करते इसके स्पेस के बारे में, ओके। तो सीट्स मेरे हिसाब से एडजस्ट थी, देख सकते हैं नी रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट कम है, ठीक है दोस्तों, ओके, थाई सपोर्ट ठीक है। मेरी हाइट 6 फीट के ऑलमोस्ट है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलने वाला है, एंड हेडरूम अच्छा खासा मिलने वाला है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलता है। पीछे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एसी वेंट्स है, तो सिंगल जोन आपको एसी वेंट्स मिलेगा, फ्रंट से ही, पीछे कोई एसी वेंट्स नहीं मिलने वाला है। आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो 2 ही लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो पीछे से ऐसा कुछ लुक निकल के आता है मारुति सुजुकी जिम्नी का। तो दोस्तों ओपन करते हैं इसका बूट, ओके। बूट ओपन करने के लिए आपको खींचना है डोर एंड यू विल गेट कम टू नो। तो 332 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। अगर आपको आगे के 2 सीट्स है उसे फोल्ड करोगे तो आपको टोटल कार्गो एरिया मिलेगा। आपको बूट लैंप यहाँ देखने को मिलने वाला है, ओके। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, देख सकते हैं, एंड यहाँ आपको टूल किट मिलेगा, ठीक है, ओके। तो 332 लीटर का बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। वन मोर थिंग, यू विल गेट रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगी 10 से 12 लाख के बीच में, और माइलेज अगर बात करेंगे तो 15 से 18 के बीच में रहेगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ रोडिंग व्हीकल फॉर यू दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ एक कंफर्टेबल भी रहने वाली है, मारुति की रिलायबिलिटी इसमें मिलने वाली है, थार और फोर्स गुरखा के साथ ये कॉम्पीट करने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।